सो गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं हल्द्वानी से मौना गांव जो चर्च है, हल्द्वानी से आप फतेहपुर जाएंगे, फतेहपुर से आप सीधे जो रास्ता गया मौना नाइसला गांव को, तो वहां पे बहुत पुराना चर्च है, उससे पहले गांव पड़ता है मौना गांव, तो अभी हम वहां जा रहे हैं। तो आपको रास्ते के हम सारे शॉर्ट्स देते रहेंगे। हमारे साथ आज हैं कमलेश और मैं जा रहे हैं, एक हमारे वहाँ परिजन है राजन भट्ट जी, तो उनकी ज़मीन पे उनको कुछ काम है, तो हमने कहा हम भी चलते हैं वहाँ पे, काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं आपको देखने को मिलेगा। और एक्चुअली हमारा फर्स्ट व्लॉग है गाइज, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और ऐसे ही नए एक्साइटिंग वीडियोज़ देखने के लिए जहाँ हम कहीं नई नई जगह जाएंगे आपको दिखाते रहेंगे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। अगर आप नीचे हल्द्वानी से आ रहे हैं फतेहपुर के रास्ते ऊपर, ये रोड एक्चुअली नैनीताल को जा रहा है। देखिए अभी ये कंस्ट्रक्शन है इसका, ये पूरा ऊपर से रोड जो है तो कमलेश मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो शुरुआत है। वहां से हम आए, वहां हम जा रहे हैं। ओह भाई देखिए गाइस, ये पहाड़ों पे ऐसे गड्ढे करे रहते हैं कि ताकि जो बारिश हो तो सारी मिट्टी नीचे ना बहे, तो यहाँ पे रुक जाता है। ऐसे बहुत सारे गड्ढे जंगल में कर रखे हैं। गांव के घर देखिए आप, गाय वगैरह देखिए कितना प्यारा लग रहा है इसका। देखिए गाइस, चर्च को रास्ता जा रहा है, अभी हम देख रहे हैं कि हम जिनसे मिलने आए थे कमलेश, तो अभी हम श्योर भी नहीं है कोई यहाँ है या नहीं है, हमको जस्ट आइडिया होगा। बजे अभी हम आवाज लगा रहे, पास नहीं जा रहे, कुत्ते होंगे करके। देखिए हमको भट्टी ने देख लिया और हम पूरे खेतों के बीचों बीच, देखो गाइस हमको भट्टी मिल चुके हैं। हम आपको पूछते पूछते, हम पूरे गांव में पूछते पूछते आए आपको। तो देखिए गाइस, आज भट्टी अपने खेतों में खाद डाल रहे हैं, जैसे खेतों में खाद पड़ती है। देखिए आप, ये यूरिया है, ये यूरिया है गाइस। देखिए और ये शेरू भी है। वो मिक्स कर दिया है पीछे यहाँ पे, अब वो पूरा इन खेतों पे अच्छे से पूरा छिड़केंगे हाथ से। देखिए कितने हरे खेत हैं, जितना दूर आप नज़र घुमाएंगे सिर्फ खेत ही खेत। ऐसी वीडियोस देखने के लिए अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और जो भी हल्द्वानी के आसपास के लोग हैं यहाँ आना चाहते हैं तो
एनी टाइम यहाँ पे आपको हॉस्पिटैलिटी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी, लोग काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, आपको अच्छी तरह ट्रीट किया जाएगा। सीधा नाली नाली गाइस, ऐसी बढ़िया बढ़िया जगह देखने के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए ऊपर, तो आपको वहाँ पे भी स्टोरीज वगैरह दिखती रहेंगी हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं वापस नीचे गांव की ओर, भटजी और कमलेश भी आ चुके हैं हमारे साथ। और यहाँ पे अभी बताया था उनने कि उनके खेत पे बाघ आया था, मतलब शेर आया हुआ था, शेर नहीं मतलब बाघ, पहाड़ी लोग समझ गए होंगे बाघ। सो बहुत सारी मतलब डिफ़िकल्टीज़ हैं यहाँ पहाड़ों में ऐसे रहने में, आपको शांति और ये सारी चीज़ तो मिलती ही हैं लेकिन ख़तरा भी बहुत है। मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए आप देख सकते हैं कितना, किसी को अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी यहाँ हुई है तो उसको उतना नीचे पैदल जाना पड़ेगा। आ गए हैं वापस डिनर की दुकान जहाँ बताया था मैंने आपको, कमलेश तो आए नहीं भी।